हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से टाइम एंड वर्क के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं आपके लिए। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा दिन होगा, दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक बातें समझाई थी, तो उम्मीद है कि आप सब उस लेक्चर को देखे होंगे, उस वीडियो लेक्चर को आप समझे होंगे, अच्छा आपको लगा होगा। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका टाइम एंड वर्क में लेक्चर सेकेंड होगा। लेक्चर फर्स्ट में थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें कि हम दो पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश किए थे। पहला पॉइंट था कि अगर आपको टोटल समय पता हो तो वहां से आप इकाई समय में किया गया काम आप कैसे निकालिएगा, यह हमने क्लियर किया था। दूसरा पॉइंट आपको हमने क्लियर किया था कि अगर आपको इकाई समय में किया गया काम पता हो तो वैसे सिचुएशन में आप टोटल समय कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको सेकेंड पॉइंट समझाया था। और लास्ट में चलते चलते एक सवाल भी आपको हम कराए थे। तो आज ही हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन से, जिससे कि चीजें आप और अच्छे से समझ पाए। और साथ ही साथ अभी तो हम आपको बेसिक तरीका सिखा रहे हैं टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को आप देखते ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं, ऐसा आपको हम मेथड बताएंगे। और उस मेथड का नाम होगा एलसीएम मेथड। तो आज आपको हम एलसीएम मेथड का कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। आइए हम लोग सिलसिले को शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, जो हमने बेसिक बातें समझाई थी लेक्चर फर्स्ट में, उसी के आधार पर आपको हम कुछ सवाल करा रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि ए नाम का कोई पर्सन है, व्यक्ति है, ए किसी काम को करता है 15 मिनट में। बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, ये उसी काम को कर सकता है 30 मिनट में। ऐसे आपसे कहा जाए, आपसे अगर ये पूछा जाए कि दोनों मिल के काम करें, मतलब ए या बी साथ में अगर काम करते हैं तो पूरा काम कंप्लीट कितने समय में होगा, दोनों मिल के जब काम करते हैं तो टोटल काम कितने समय में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। आइए समझिएगा और कीजिएगा। आपको हमने दो पॉइंट समझाया था, अभी तो आपको बेसिक तरीका सिखा रहे हैं जिससे कि टाइम एंड वर्क का समझ आप में डेवलप हो। अभी हम एलसीएम मेथड आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आप सवाल को जल्दी से जल्दी बना सकें। अभी बेसिक आपका चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे केवल आप मतलब कि हम यही तरीका बताएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल को करने के, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, केवल आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो आइए देखिएगा, समझिएगा। आपसे पूछा ये कि अगर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं तो कितने समय में काम पूरा होगा। तो जिसका भी आपको समय निकालना हो, जिनका भी आपको समय निकालना हो, आपको करना क्या है कि भाई उनके द्वारा इकाई समय में किया गया काम आप निकाल लीजिए। पहले हमने क्या बोला कि जिनका भी समय निकालना हो उनके द्वारा इकाई समय में किया गया काम आप पहले निकाल लीजिए। अब इकाई समय क्या होता है, तो हमने कल आपको समझाया था, फिर आपको हम बता दे रहे हैं। तो इकाई समय का मतलब होता है समय अगर दिन में है तो एक दिन का काम, ठीक है। इकाई समय का मतलब होता है कि समय अगर आपका दिन में है तो एक दिन का काम, समय आपका मिनट में है तो एक मिनट का काम, और समय घंटा में है तो एक घंटा का जो काम होता है उसे हम इकाई समय में किया गया काम कहते हैं, ठीक है। यह आपका इकाई समय होता है। तो हम अगर ए और बी का समय निकालना है, इनका अगर हम इकाई समय में किया गया काम निकालें, मतलब कि दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो एक मिनट में कितना काम करेंगे, अर्थात एक मिनट का दोनों का काम निकालें, तो देखिएगा समझिएगा, पूरा काम 15 मिनट में, तो एक मिनट में 1/15 हमने समझा रखा है आपको। पूरा काम भी 30 मिनट में, तो एक मिनट में 1/30,
ठीक है। अब चूंकि दोनों का निकालना है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एकदम सिंपल सी बात है। ये क्या हमने निकाला, तो ए और बी का एक मिनट में किया गया कार्य, ए और बी द्वारा एक मिनट में किया गया एक काम है। अब इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम देखिए 30 आएगा, ऊपर में दो आएगा, यहां पे एक आएगा टोटल, तो टोटल आप देखें तो ये 3/क्या होगा 30, काटेंगे तो 1/क्या आएगा 10, तो 1/10 काम दोनों मिलकर करेंगे एक मिनट में। हमने आपको दूसरा पॉइंट कल समझाया था कि इकाई समय में किया गया काम आपको पता हो, उसे उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो आपका टोटल समय आता है। तो इसलिए अगर हम ए और बी का टोटल काम को करने का समय निकालें तो 1/10 का उल्टा क्या होगा भाई मेरे, तो 10 आएगा, अर्थात पूरा काम 10 मिनट में हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बातें, हमने इसको आराम से समझाया, इत्मीनान से समझाया कि अगर पहली बार भी कोई आया है वीडियो लेक्चर देखने के लिए तो उसको भी ये बातें समझ में आए, ठीक है। चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, गौर से देखिएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, परेशान आपको नहीं होना है, एकदम हम इत्मीनान से बता रहे हैं ताकि आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो। जैसे क्वेश्चन आपको आ जाए कि पी नाम का कोई व्यक्ति है जो 10 घंटा में किसी काम को करता है अकेले, और क्यू नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसी काम को 15 घंटा में अकेले करता है, जबकि आर नाम का कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसी काम को अकेले 20 घंटे में कर सकता है। तीन पर्सन है, तीनों के द्वारा अकेले अकेले काम को समाप्त करने में लिया गया समय आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या सकता है, तो पूछ देगा कि अगर तीनों साथ में मिल के काम करें, तीनों साथ में मिल के काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। यह सिंपल साफ सा क्वेश्चन है, तो हमने तो आपको एकदम सिंपल सी बात समझाई कि भाई जिनका भी समय निकालना हो सबसे पहले उनके द्वारा इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम आप निकाल लीजिए, तो आपका आंसर काफी, आंसर निकालना काफी आसान हो जाएगा। तो अब आपको इकाई समय का मतलब हो गया कि समय घंटा में है तो एक घंटे का काम, समय मिनट में है तो एक मिनट का काम। तो चूंकि यहां पर घंटा में समय है तो हम सबसे पहले एक घंटा का हम काम निकाल रहे हैं, और चूंकि तीनों का समय निकालना है तो हमको तीनों के द्वारा एक घंटा में कितना काम किया जाएगा ये निकालना पड़ेगा। तरीका सिखा चुके, टोटल समय 10 घंटा, तो एक घंटा का काम 1/10, एक घंटा का काम इसका 1/15, और इसका एक घंटे का काम 1/20, क्योंकि तीनों का निकालना है तो हम सबको जो है प्लस कर दिए। ये पी का एक घंटे का काम है, ये क्यू का एक घंटे का काम है, और ये आर का एक घंटे का काम है। समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान सी बात है, हमने आसानी से समझाने की कोशिश की है। अब इसको हल करते हैं तो एलसीएम 60 आएगा, यहां पे 6, ये 4 और ये 3 आ जाएगा। हल करना तो आपको आता ही है, अब आप इसको हल कीजिएगा और आगे थोड़ा सा तो 13/क्या आने वाला है 60। ये जो हमने निकाला ये काम है कितने समय का, तो ये एक घंटे का काम है। तो आपको हमने दूसरा पॉइंट समझा रखा है कि अगर इकाई समय में किया गया काम पता हो उसे उल्टा कर देते हैं तो टोटल टाइम आता है। तो कुल समय की बात करें तो देखिए भाई आप कुछ करना है नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कि पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो आपका 60/ क्या होगा 13। समय किस फॉर्म में है, तो घंटे के फॉर्म में है, तो आपको इतने घंटे में तीनों मिल के काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते। कमेंट आप जरूर करें, जैसे भी आपको जो है जो भी प्रतिक्रिया हो वीडियो के रिगार्डिंग, आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। तो चलिए फिर से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि ए किसी काम को करता है 10 से दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, सी उसी काम को करता है 30 दिन में, और डी उसी काम को करता है 40 दिन में। ये जो हमने समय लिखा है चारों का अपना अकेले अकेले काम करने में
लिया गया समय है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर चारों साथ में मिलकर काम करें तो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल कितना समय लगेगा काम पूरा करने में। आसान सी बात है, हमने आपको सिंपल तरीका सिखाया कि भाई जिसका भी समय निकालना हो उसका पहले इकाई समय में किया गया काम निकाल लीजिए। इकाई समय का मतलब हमने कई बार आपको बता दिया, समय दिन में है तो एक दिन का काम इकाई समय में किया गया काम कहलाएगा, और यहां पे दिन में समय है तो सबसे पहले हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं। अब चीजों को आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसको हम फास्ट करते हैं। तो ये आप बोलिए, बोलते रहेंगे यहां पे एक बट्टा दस होगा, बोलना भी है एक बट्टा बीस होगा, और ये एक बट्टा तीस, और ये बोलिए क्या होगा, तो ये आपका एक बट्टा चालीस हो जाएगा। अब चूंकि सबका निकालना है तो सबको प्लस में रखना होगा भाई मेरे, ये ए बी सी और ये डी सबका है, और ये आपका काम है तो काम यहां पर लिख दे रहे हैं। अब बताओ कि एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा, हल करने तो आता ही होगा, एलसीएम एक सभी सा आएगा। यहां पे आपको 12, यहां 6, ये 4 और ये 3 होने वाला है। आप देख लीजिए आसानी से सबको जोड़ेंगे तो आप देखिए 10, 12, 22 और ये 3, 25, यानी कि 25 बटा 1 सभी होना है। काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 24 बार में, अर्थात 5 बटा ये 24 काम होगा, और वो भी कितने समय में, तो एक दिन में। तो इकाई समय में किया गया काम आपको मालूम चल गया। अब कुछ करना है नहीं, अगर हम आंसर की बात करें, तरीका तो सिखा चुके हैं कि इकाई समय में किए गए काम को उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब कि अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह कर देंगे तो आपका समय निकलता है। तो हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आपका 24 बट्टे क्या होगा, 5। यानी कि अगर चारों मिलकर काम करते हैं तो वही काम आपका 24 बटा 5 दिन में कंप्लीट होगा। ऐसा हम मान रहे हैं कि आपको समझ में सारी बातें आ रही हैं। सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश की, कमेंट आप जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। और जब हम सवाल बोले तो आपको लगे कि भाई हम इसको बना सकते हैं तो आप उसे बनाते भी रहिए। और हमने कल ही समझाया था कि भाई आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक नोटबुक और कलम जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोते सोते वीडियो देख रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं तो उसे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ा सा वर्क भी करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब थोड़ा सा पैटर्न को हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर हैं, यहाँ पर हम केवल बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका अगर आप पहली बार भी टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपका कंसेप्ट डेवलप हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई बार टाइम एंड वर्क पढ़ चुके होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन वैसे छात्रों को भी हमको ध्यान में रखना है जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के, तो उनको ध्यान में रखकर, मतलब कि हर एक टाइप के स्टूडेंट को हम ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे बने रहें, कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पैटर्न को चेंज करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो दोनों जब साथ मिलके, इसके पहले क्या था तो उसमें ये था, इसके पहले हमने जितने भी सवाल किए तो उसमें ये था कि प्रत्येक पर्सन का अपना पार्टिकुलर समय दिया था और साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय निकालना था। अब हम यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें आपको साथ में मिलकर काम को करने में लिया गया समय दिया रहेगा और पार्टिकुलर किसी पर्सन का समय आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पर कैसे अप्रोच रखना है, तो अप्रोच वही रहेगा। थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से कि ए और बी दो लोग हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो लगता है 20 दिन, साथ में जब मिलकर काम करते हैं तो लगता है 20 दिन, और उसी काम को अगर ए अकेले करता है तो उसे लगता है 10 दिन। अब आपसे पूछा क्या है, तो अगर उसी काम को बी अकेले करे, देखिए बी अकेले करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान से सवाल है, आसान से बात है, फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कई बार आता है, छोटे
लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें सिंपल से सवाल ये पूछ देता है कि ए और बी दो लोग किसी काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को ए अकेले करता है 10 दिन में, तो बी उस काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो अब जो लोग बना सकते हैं वो केवल देखते ना रहें इस सवाल को, जैसे आप सवाल देखें वैसे आपके दिमाग में ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए कि भाई ये सवाल कैसे बनेगा, इसका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार टाइम एंड वर्क का वीडियो देख रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, मतलब कि सबको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं, तो आइए समझते हैं चीज़ों को। तो हम यहाँ पे आपको, हमने अभी क्या बताया कि भाई जिसका भी समय निकालना हो उनका आप इकाई समय में किया गया काम निकालिएगा पहले। तो इकाई समय का मतलब क्या हो गया कि भाई समय अगर दिन के रूप में है तो एक दिन को हम इकाई समय कहेंगे, तो चूंकि यहां पे समय दिन के फॉर्म में है तो एक दिन के काम को अगर हम निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो इकाई समय में किया गया काम कहलाएगा। चूंकि हमको बी का समय निकालना है तो बी का हमें इकाई समय में किया गया काम निकालना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं एक दिन का काम हम निकाल रहे हैं किसका, तो बी का, ठीक है। तो समझिएगा अगर हम ए या बी के काम में से, ए या बी के काम में से एक के काम को घटा दें तो बी का काम बचेगा। फिर से सुन लीजिए कि अगर हम ए और बी के काम में से एक के काम को घटा दें तो बी का काम बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम ए या बी के काम में से बी के काम को घटा दें तो ए का बचेगा, नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है। तो हम यही चीज यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए ए या बी मिल के काम करते हैं 20 दिन में, तो एक दिन में, क्योंकि एक दिन की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/20। तो ये 1/20 जो है वो ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर एक दिन में किया गया काम है। इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ए का एक दिन का काम घटा रहे हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10। ये ए का एक दिन का काम हमने इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। ऐसा हमने क्यों किया, तो हमारा मकसद क्या है, तो बी का एक दिन का काम निकालना। वो कैसे निकलेगा, तो जब हम ए और बी में से ए को घटा देंगे तब निकलेगा। तो ये जो बचा ये बी का एक दिन का काम हो गया। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर आप बता दीजिए या फिर थम्स अप कर दीजिए कि भाई समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है इसको आप आगे हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो आप देखो भाई यहां से, सॉरी हमने यहां पे क्या कर दिया कि डाटा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर ले रहे हैं, यहां पे 30 कर दे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ए और बी मिलके जब काम करेंगे 20 दिन में और ए जब अकेले काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो यहां पर हमने बाय मिस्टेक 10 दिन कर दिया था, जो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो हम इस समय को सुधार के 30 कर दिए हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो उनमें से अगर कोई अकेला बंदा काम करता है तो उसका जो समय काम को समाप्त करने में लिया जाएगा वो तो 20 दिन से ज्यादा होगा ना, 20 दिन से तो कम पॉसिबल है नहीं। तो हमने गलती से यहां पर क्या कर दिया, 10 लिख दिया था, ठीक है। तो उसको हमने सुधार दिया, एक का समय हमने कितना कर दिया, 30 कर दिया। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमने एक का समय जब 30 कर दिया तो एक दिन का काम 1/10 क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब आप इसको हल करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 30/60 आएगा। यहां पे आपका 3 होगा और यहां से आपका 2 हो जाएगा, तो ये 1/ टोटली कितना होने वाला है, 60। ये जो आपका निकला ये एक दिन में बी का काम है, एक दिन में किसका काम है, बी का है। और एक दिन के काम को पलट देते हैं तो टाइम आता है टोटल, तो इसलिए हम बी का टोटल टाइम निकालें तो 1/60 का उल्टा क्या होगा, 60 दिन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 का उल्टा 1/ क्या होता है, 5। अच्छा 1/5 का उल्टा क्या होता है, 5।
उसी प्रकार से 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10। अच्छा 1/10 का उल्टा क्या होगा, तो 10। 1/12 का उल्टा क्या होता है, 12। या फिर आपका 12 का उल्टा क्या होता है, 1/12। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही आपका 1/60 का उल्टा कर देंगे, 60 आएगा, अर्थात बी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर देगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, चीजों का आप अच्छे से समझ पाए, यही मेरा मोटो है कि भाई कोई डाउट आपको न रहे और मैथ के प्रति आपका रुझान बढ़े, इंटरेस्ट पैदा हो। तो आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि ए बी और सी 3 पर्सन हैं और तीनों मिलकर किसी काम को 15 घंटा में पूरा करते हैं, उसी काम को ए और बी मिलके करते हैं तो काम पूरा होता है 20 घंटा में। अच्छी बताइए कि ए और बी का समय क्या 14 हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी जब आपको यहां पे तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ आपका सी भी काम कर रहा है, ठीक है, ए और बी का कोई सहयोग कर रहा है, तब आपका 15 घंटा लग रहा है। तो अगर हम सहयोग वाले व्यक्ति जो सहयोग कर उसको हटा दें तो जाहिर सी बात है कि 15 घंटा से समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि आदमी जब कम होंगे समय आपका ज्यादा लगेगा। तो यहां पे 15 है तो यहां पर कभी भी 14 नहीं हो सकता है, वो 15 से ज्यादा होगा। यही मिस्टेक हमने पिछले क्वेश्चन में डाटा लिखने के क्रम में कर दिया था। इस बात को आप समझ पाए होंगे, ये क्लियर आपका हो पाया होगा, उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा क्या भाई, तो पूछ देगा कि सी अगर उसी काम को अकेले करे तो कितने समय में कर देगा। वही बात है कि भाई जिसका समय निकालना हो उसका आप इकाई समय में किया गया काम निकाल दीजिए। तो समय आपका घंटा में है तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए घंटा में किसका काम, तो सी का, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, तो अगर आप ए बी सी में से अगर आप ए और बी को घटा दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, ए बी सी में से ए और बी को घटा दीजिए तो कौन बचेगा, तो सी बचेगा, और सी ही से नाम को मतलब है, ठीक है। तो ही आपको काम करना है कि भाई पूरा काम जब 15 घंटा में, तो ये घंटा में 1/15, ये किनका काम हुआ, तो ए बी सी तीनों का है। पूरा काम जब आपको 20 घंटे में, तो ये घंटा में 1/20, ये किसका काम है, तो ए और बी का। तो अगर हम इसमें से ये आपका ए बी सी तीनों का है, ये आपका ए और बी का है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो जो बचेगा वो ए घंटा का काम बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, तो सी का बचेगा। इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60, ये 4 और ये आपका 3, तो ये 1/ क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 1/60 काम आपको ए घंटे में हो रहा है, 1/60 काम आपका हो रहा है 1 घंटे में, तो इसलिए हम सी का समय निकालेंगे। तो इकाई समय में किया गया काम है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो आपका उल्टा करें तो क्या आएगा, यानी कि सी उसी काम को 60 घंटे में पूरा कर लेगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमने जो बेसिक कंसेप्ट समझाया था उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए जिससे कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो, ठीक है।